मैं ऐसे परिवार से हूं आज जो है, उस समय जब मेरे दादा थे तो आपस में छुआछात बहुत, उस समय उन्होंने धामर गांव में प्रभाती अपना कबीर के शिष्य प्रभाती ये घर धान के घर खाना खाया था, ताकि बहुत लोगों में इस बात का विरोध भी हुआ, लेकिन उन्होंने कहा मैं नहीं, सब इंसान है, इंसान है। उसके बाद देश आजाद हुआ और देश आजाद हुआ एक संविधान लिखा गया, संविधान डॉक्टर अम्बेडकर के, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, डॉक्टर अम्बेडकर ने उनको ड्राफ्ट किया और उसके साथ बैठकर मेरे स्वर्गीय पिताजी ने भी जो है संविधान लिखा। क्या था संविधान? संविधान यह था सबको बराबर का दर्जा दो, जो दलित है वंचित है उनको आगे बढ़ाओ, बराबर लेके आओ। तो ये बात लेके चला, मेरे को मौका मिला, मैंने भी सबसे पहले फैसला किया कि भाई सबसे जरूरी गरीब आदमी में शिक्षा है, अगर आदमी शिक्षित नहीं है तो आगे नहीं जा सकता। तो एक कदम से 20 लाख बच्चे, गरीब बच्चों के, दलित बैकवर्ड के वजीफा पहली क्लास से 12वीं क्लास तक हमने किया। लेकिन ये कैसी सरकार आ गई, ये इसका शिक्षा का भी जो नेशनलाइजेशन करने लगी, राष्ट्रीयकरण करने लगी, नेशनलाइजेशन नहीं प्राइवेटाइजेशन करने लगी। और आज ही कल एक यूनिवर्सिटी में पास किया, यूनिवर्सिटी को भी पूरा अधिकार दे दिया कि भाई तुम अपने खुद कमाओ और खुद करो, तो गरीब आदमी का बच्चा कहां पढ़ेगा। 5000 स्कूल बंद कर दिए जहां गरीब आदमी का बच्चा पढ़ सकता था, इन्होंने 5000 स्कूल बंद कर लिए, शिक्षा को भी पछाड़ दिया और 2 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं। तो ये ऐसी सरकार आई है। तो आज ऐसे मौके पे हम सब इकट्ठे हुए हैं कबीर जयंती पर, हमारे को विचार करना है। जैसे हमारे अध्यक्ष ने कहा कि हमने तो फैसला कर रखा हमारी पार्टी में कि हमारी सरकार आएगी तो पहले की तरह गरीब बच्चों को, दलितों को, वंचित को, बैकवर्ड को, बच्चों को पहली जमात से वजीफा देंगे, हम आके तब उसको पढ़ाने का काम करेंगे। और 3,82,700 बच्चे प्लॉट दिए थे हमने, इन्हें एक भी नहीं दिया, तो वो काम फिर शुरू करेंगे हम, ताकि आदमी का सिर कम से कम सिर झुकाने की हो। और पेंशन जो है बुजुर्ग की 6000 महीने बूढ़े के और 6000 बुढ़िया के, भाई जो घर में होंगे आप देख रहे हैं। हमने 11000 सफाई कर्मचारी एक कदम से लगाए थे, आज तक पक्के नहीं किए इन्होंने, हम फिर लगाएंगे और पक्के भी करेंगे उनको, और भी लगाएंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और ये हमारी बहनें बैठी हैं, आजकल कोई चूल्हे पर रोटी पोता नहीं, भाई सिलेंडर ले हो ना, गैस का सिलेंडर कितने का हो गया, 1150 का। अगर हमारी सरकार आई कांग्रेस की तो 500 से ज्यादा सिलेंडर का नहीं होगा, कम से होगा। हमने गरीब आदमी को पीने के पानी के लिए 10,200,200 लीटर की टंकियां लगाई, टूटी लगाई, इन्होंने एक नहीं लगाई। किसान को आप देख रहे हो, किसान को MSP भी नहीं मिलती, उचित भाव नहीं मिलता, लागत तो बढ़ा दी, आमदनी घटा दी। तो हमारा वायदा है कि हमारी सरकार आएगी, पहले भी उचित भाव दिलवाया हमने, हम किसान को उसकी लागत जमा 50% मुनाफा देंगे, ताकि किसान खुशहाल हो, उसके किसान खुश होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। और जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, ओल्ड एज पेंशन हम लागू करेंगे सरकारी कर्मचारियों के लिए रोज बैठे। तो इस प्रकार से बहुत सारे काम हमने करने हैं जो पहले किए थे गरीबों के लिए, इस सरकार ने सब कुछ बंद कर दिया।